सभी को प्रणाम। हैप्पी लॉकडाउन। आप सबको वेलकम है मेरे किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ पनीर दो प्याजा की तरह की रेसिपी, जिसका कि नाम मैंने रखा है सोया प्याज की कढ़ाई। सोया हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इसे वीगन स्टाइल में बनाना है। तो हमने एक पैकेट सोया चंक्स लिए हुए हैं। ये थोड़ा देखने में आपको अजीब लगेंगे क्योंकि मैं अफ्रीका में हूँ और यहाँ पर ऐसे ही मिलते हैं। इंडिया में बहुत अच्छे से सोया चंक्स मिलते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमने लिया है कुछ दो प्याज, कुछ मिर्च, लहसुन, अदरक और कड़ी पत्ता। इनका हम मिक्सर में डाल के पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, उनका पेस्ट बनाने के बाद फिर बाकी चीज़ें ऊपर से डालेंगे जिससे कि अच्छे से इनका पेस्ट बन जाए। सोया चंक्स को हम गर्म पानी में भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। और मैंने दो बड़े प्याज काट के रखे हुए हैं, उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे और जिससे कि इनका टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत अच्छा आए। तो आज हम अपनी वीगन स्टाइल की वेजिटेरियन सब्जी बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें इन्फेक्शन को भगाना है तो वेजिटेरियन अपनाना है। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, मेरा पेस्ट बन के तैयार है। देखिए, कुछ ऐसा पेस्ट बना हुआ है। अब हम इस कढ़ाई को गरम कर लेंगे और जब ये गरम हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल मैं सिसामे सीड्स यूज़ कर रहा हूँ। आप हेल्दी रखने के लिए कोई भी दूसरा ऑयल जो आपको अच्छा लगता हो या जो घर में अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। हम घी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे वीगन के लिए भी बना रहे हैं। तो इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। अब इस पेस्ट को थोड़ा सा पकने देंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। अब ये पेस्ट काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और 2 से 3 टेबल स्पून नमक की डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्दी और धनिया रंग और टेस्ट के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डालें। अगर लास्ट टाइम आप सूजी लेने बाहर गए हों और आपको सूजी की जगह पुलिस वालों ने सूजी दे दी हो सकता है कि आपके घर में हल्दी ख़त्म हो गई हो, क्योंकि उसके बाद आपने हल्दी वाला दूध पिया होगा या हल्दी किसी और तरीके से खाई होगी जिससे कि आपका सूजन कम हो गई हो, तो हल्दी ख़त्म भी हो सकती है। अगर ख़त्म हो गई तो मत डालिए, अगर है तभी डालिए। अब हमारा ये पेस्ट काफ़ी अच्छे से पक गया है। जब हमने प्याज काटा था तो प्याज में जो सेंटर वाले पीस थे वो काफ़ी मोटे मोटे से निकले होंगे, तो वो जो सेंटर वाले पीस हैं वो अभी हम डाल देंगे। लेकिन जो बाकी के बाहर के पीस बड़े बड़े कटे हुए हैं वो अभी रोक लेंगे, वो अभी नहीं डालेंगे। और जो हमने सोया चंक्स ड्राई करना है उसको, जो हमने पहले से भिगो के रखे हैं, उनको पानी उनका निकाल देंगे, उनको निचोड़ लेंगे और उनका पानी निकाल के ड्राई ड्राई सोया चंक्स रख लेंगे। ठीक है, हमारा ये काफ़ी अच्छे से पक गया है, प्याज भी पक गए हैं। इसमें जिस मिक्सर के बाउल में हमने पेस्ट बनाया था उसमें ही थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसे ड्राई वेजिटेबल बना रहे हैं, थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल देंगे और इस पानी को थोड़ा पक जाने देंगे।
अब हमारा ये पेस्ट पानी जो है पक गया है अच्छे से, इसमें ये ड्राई करी हुई सोया चंक हम इसमें मिला रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए इसको पक जाने देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये 2 मिनट पक चुका है। अब इसमें जो हमारे प्याज के टुकड़े रखे हुए हैं वो इसमें हम मिला देंगे। ये सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा इसमें जाने वाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए 2 मिनट ढक करके छोड़ देंगे धीमी आंच में। ओके, अब चेक करते हैं। अब ये हमारा पक के पूरी तरह से तैयार है और अब इसको हम सर्व करेंगे। इस तरह से मैंने प्लेट में निकाला है। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसमें सेसामे सीड्स मिला रहा हूँ। आप लोग कोरिएंडर लीव्स भी मिला सकते हैं या पुदीना की पत्तियाँ भी मिला सकते हैं। तो ये हमारा तैयार है सोया प्याज की कढ़ाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।